कराची में बारिश से। बारिश तो थम गई मगर शहर मसाइल में घिर गया। बारिश तो आकर चली गई मगर कराची की गलियों से पानी न गया। कल से रूठी बिजली भी अभी तक वापस ना आई। शहरी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। घरों में नल खुश्क मगर गलियां पानी से भरी पड़ी हैं। शहर में पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। बारिश ने निकासी आब और के इलेक्ट्रिक के दावों का भी पोल खोल दिया। बारिश के बाद शहर के नदी नाले उबल पड़े। सड़कें और गलियां तालाबों में बदल गईं। बारिश की वजह से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। आवाम का कहना है कि कराची के नलकों में पानी आता नहीं और सड़कों से जाता नहीं। बारिश आई तो बिजली गई। कराची की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। कराची में बारिश हुई तो शहर में मसाइल मजीद बढ़ गए। कराची के शहरियों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। बारिश तो थोड़ा आधे घंटा बारिश हुई कल मगरिब के बाद ही, और सूरत यह है कि बस हर जगह गंदे के ढेर लगे हुए और पानी पानी खड़ा हुआ है। टाउन का कोई अमला मौजूद नहीं यहाँ पर। जी यहाँ जब पानी आता है तो सैलाब आ जाता है, सबके घर में पानी चला जाता है। ये इतना पानी आता है बाहर चला जाता है, यहाँ गाड़ियाँ जा नहीं सकती है रोड में। लाइट 2-3 दिन हो गए आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बड़ा परेशान करके रख, ना रमजान को देख रहे ना किसी चीज को देख रहे, रास्ते खराब है हर चीज। कराची में होने वाली बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। लोगों का भी यही कहना है कि घर में पानी नहीं है लेकिन सड़कों पर पानी ही पानी है। पहले बूंद बूंद को तरसते थे कराची और आज कराची पानी में डूबा हुआ है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां निकासी आब ना हो सका कि इलेक्ट्रिक के दावों की भी कलई खुल गई। बारिश के बायस शहर के नदी नाले उबल पड़े। कराची में होने वाली बारिश ने शहर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कई इलाकों में जगह जगह गंदा पानी खड़ा होने से शहरी परेशान हैं।